सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, GTA 6 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने इस ट्रेलर में देख ली होंगी। GTA 6 के इस 1 मिनट और 30 सेकंड के ट्रेलर में बहुत कुछ है जो कि हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, GTA 6 में डॉग्स होने वाले हैं ऑफिशियली। वैसे GTA 5 में भी थे, GTA 5 में डॉग और कैट हैं, लेकिन GTA 6 में भी होने वाले हैं एंड और अच्छे डिटेल में, मतलब एकदम रियल लगने वाले डॉग एंड कैट्स होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं ट्रेलर में भी एंड इसी के साथ। सेकंड, यहाँ पर ना सोशल मीडिया होने वाला है GTA में। जी हाँ, ट्रेलर में हमें काफ़ी जगह देखने को मिला है ऐसा सोशल मीडिया, यानी GTA गेम के अंदर, जैसे रियल लाइफ में आप ट्विटर वगैरह यूज करते हो, फेसबुक वगैरह यूज करते हो, उस तरीके से GTA के अंदर भी हम ये सारी चीजें यूज कर पाएंगे। मे बी अपना अकाउंट भी बना पाएं एंड इन सब चीजों को नॉर्मली जैसे रियल लाइफ में यूज करते हैं वैसे ही यूज करें, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। एंड भाई, काफ़ी क्रेजी कैरेक्टर्स इस गेम में होने वाले हैं। जैसे कि GTA 6 के ट्रेलर का ना एक पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा था, जिसमें हमें एक ऐसा ग्रैनी टाइप कोई देखने को मिलती है जो कि अपने दोनों हाथों में हैमर लेके खड़ी होती है अपने घर के बाहर। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कैरेक्टर। मे बी ये कोई मेंटल लेडी होगी इस गेम में जो कि हमें देखने को मिलेगी, ऐसे हमला करेगी। बहुत वही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी, है ना। इसी के साथ भाई, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, हमें ट्रेलर में एक क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। तो क्रोकोडाइल वाला जो क्लिप है, पहला क्लिप, एंड यहाँ पे लिख रहा है स्टे अलर्ट VC, रिमेंबर टू चेक फॉर अनइनवाइटेड गेस्ट बिफोर द पूल पार्टी। तो भाई, ये क्रोकोडाइल भी होने वाला है जो कि हमें GTA 6 के मैप में नदी में एंड पूल वगैरह में भी देखने को मिल सकता है। यही नहीं भाई, इस गेम में ना ये जो क्रोकोडाइल है ये अटैक भी कर सकता है। जी हाँ, ट्रेलर के एक पार्ट में हमने देखा है कि एक मॉल के अंदर, एक सुपरमार्केट के अंदर ये जो क्रोकोडाइल है वो घुस गया है एंड लोग भाग रहे हैं। ये भी सीन भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। एंड एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि GTA में होने वाली है वो है न्यूज़ मीडिया। जी हाँ, GTA 6 में जो TV होंगे उसमें हमको ऐसा रियल में जैसे मीडिया देखने को मिलती है, न्यूज़ चैनल्स देखने को मिलते हैं, लाइव रिपोर्टिंग देखने को मिलती है, उस टाइप से हमें GTA गेम के अंदर भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब इन शॉर्ट, GTA 6 को एकदम रियल लाइफ जैसा बनाने की पूरी कोशिश की गई है एंड भाई इतने सालों के बाद कोई गेम आ रहा है। हाँ, एक और बात, ये गेम 2025 में आएगा, यानी बस एक साल के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं है इस गेम को आने में भी। 2024 बहुत जल्दी निकल जाएगा एंड 25 में भाई हमको फाइनली GTA 6 खेलने को मिलेगा। एंड ट्रेलर के एंड में हमको GTA का एक और मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि मे बी लूसिया का कोई फ्रेंड है। तो इसी के साथ GTA 6 ट्रेलर नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। लेट्स सी, अगर कोई और ट्रेलर भी इस गेम का आता है तो वो कैसा होगा, उसमें और भी चीज़ें पता चलेंगी और भी डिटेल्स पता चलेगी। बाकी भाई, मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा एक तो वो ग्रैनी वाला सीन एंड दूसरा क्रोकोडाइल। भाई ये दोनों मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंड आपको कैसा लगा ट्रेलर GTA 6 का, एंड आप लोगों ने इसमें क्या कोई नई चीज़ नोटिस करी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।